हमें बचपन में महीनों के नाम तो रटाए ही जाते हैं, लेकिन इन 12 महीनों के नाम कैसे रखे गए होंगे और इन नामों को किसने रखा होगा? क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा है? और तो और, ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम रखे क्यों गए होंगे? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं पता हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है अतुल्य दुनिया की एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मिला साल के 12 महीनों को उनके इतने अद्भुत नाम। वैसे आपको बता दें कि आज के समय के कैलेंडर 8वीं सदी में बने रोमन और ग्रीक कैलेंडर पर ही बेस्ड हैं। उस समय की लैटिन कैलेंडर में 10 ही महीने हुआ करते थे, जो मार्च से शुरू होकर दिसंबर तक हुआ करते थे, जिसमें मार्च पहला और दिसंबर 10वां महीना हुआ करता था। बाद में इस कैलेंडर में बदलाव कर इसमें जनवरी और फरवरी भी जोड़े गए, जिसके बाद साल का कैलेंडर 12 महीनों का होने लगा, जिसमें जनवरी पहला और दिसंबर सबसे लास्ट यानी कि 12वां महीना बन गया। आइए अब जानते हैं कि इन 12 महीनों का नाम कैसे रखा गया। नंबर 1, जनवरी। जेनस एक ग्रीक देवता है जिनके दो चेहरे हुआ करते थे, एक चेहरा आगे की तरफ देखता हुआ और दूसरा चेहरा पीछे की तरफ, और इन्हीं के नाम पर जनवरी का नाम भी रखा गया है। और जनवरी भी एक ऐसा ही महीना है जो साल गुजर जाने के बाद सबसे पहले आता है और आने वाले साल की शुरुआत इसी से होती है। नंबर 2, फरवरी। फेब्रुआलिया नाम के एक फेस्टिवल के नाम पर ही फरवरी का नाम पड़ता है। इस फेस्टिवल में ग्रीक लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बलि चढ़ाया करते थे। नंबर 3, मार्च। रोमन युद्ध के देवता मार्च के नाम पर ही मार्च महीने का नाम रखा गया है। नंबर 4, अप्रैल। पुराने समय में रोम में इस महीने में कलियां खिलकर फूल बना करती थी, जिसे एस्प्रोयर कहा जाता था, इसीलिए इस महीने का नाम अप्रैलिस रखा गया, बाद में इसका नाम अप्रैल रखा गया। ये वाकई ही काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। नंबर 5, मई। माया को पौधों की उत्पत्ति की देवी माना जाता है और इन्हीं के नाम पर मई महीने का नाम भी रखा गया है। नंबर 6, जून। रोम के देवता जीएस की पत्नी का नाम था जूनो और इन्हीं के नाम पर जून महीने का नाम रखा गया है। नंबर 7, जुलाई। इसी महीने में जूलियस सीजर का जन्म और इनकी मृत्यु भी हुई थी, इसलिए इनकी याद में इस महीने का नाम जुलाई रखा गया है। नंबर 8, अगस्त। जूलियस सीजर के भतीजे का नाम था ऑगस्टन सीजर और इनके नाम पर ही इस महीने का नाम रखा गया है अगस्त। नंबर 9, सितंबर। लैटिन में 7 को सेप्टम कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आप इसके बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं तो अब जान लीजिए, और इसी से इस महीने का नाम रखा गया है सितंबर। नंबर 10, अक्टूबर। लैटिन शब्द का एक पर्याय है यानी कि सिनोनिम है ऑक्ट, जिसका मीनिंग होता है 8, और इसी पर अक्टूबर महीने का नाम भी रखा गया है। नंबर 11, नवंबर। नवंबर महीने का नाम भी लैटिन शब्द नवंबर से रखा गया है, जिसका मतलब होता है 9। और नंबर 12, और सबसे आखिरी, दिसंबर। दिसंबर महीने का नाम भी लैटिन शब्द डिसेम पर ही बेस्ड है, जिसका मतलब होता है 10। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अतुल्य दुनिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।